तरह की बॉडी हो, कंटेनर बॉडी हो, ओपन बॉडी हो, ओवरलोड के लिए गाड़ी तैयार हो रही है। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आए हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। जैसे कि मेरे पीछे आप ट्रक खड़ा हुआ देख रहे हो, 1100 है। तो ये मेरा भाई, इसका ट्रक है, इसका कह लो मेरा कह लो बात बराबर है क्योंकि दोनों भाई हैं। तो भाई बताओ कैसा काम लगा आपका गाड़ी में? भाई यहाँ पे आया मैंने, 3 ट्रक बनवाए हैं। ठीक है, एक नंबर का काम होता है, जेन्युइन कस्टम। आज से पहले जो ट्रक बनाए थे 3 ट्रक से पहले, ऐसा काम कहीं नहीं मिला। इसकी बॉडी इतनी हैवी बॉडी दे रखी है, इतना अच्छा आयरन यूज कर रखा है, मतलब जो काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया हो रखा है। जो इसकी स्टिफनेस है, बॉडी की स्ट्रेंथ है, काफी बढ़िया दे रखी है। मुझे एक बात बताओ, चलो वो तो ठीक है इस, मतलब आपकी गाड़ी जो आपने ली थी वर्कशॉप से ली थी, जब क्या मिला था, मतलब आगे क्या क्या मिला था इसके अंदर? ये कैबिनेट होता ना, और चेसी मिली थी, और कुछ नहीं मिला। अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे भी यही पता है कि इसमें जो आगे का कैबिन मिलता है, पीछे से चेसी मिलती है। बाकी काम ने आपने क्या क्या करवाया इसके अंदर? पूरी बॉडी पूरा डाला टाइप का है, पूरा भाई ने करके दिया है। ठीक है, अभी वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस भी करेंगे भाई के साथ। ठीक है, मतलब आपने कितनी बार यहाँ पे काम करवाया है? यहाँ पे मैंने तीसरी गाड़ी है, तीसरी बार काम करवाया। क्या बात है। तो भाई अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, आप आ सकते हो। ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप इसको, आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप इस पे कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कि ये काफी पुराने यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली के अंदर इनकी शॉप है। ये पूरा यहाँ पे काम होता है, आप देख सकते हो पीछे कितना बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है। भाई ने भी कई बार यहाँ पे काम करवाया, अच्छा काम लगा है, तभी भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा, इन्हीं की गाड़ी है, काफी सारी गाड़ी उन्होंने ले रखी है, 3 गाड़ियां भाई बता रहे हैं आपको, और काफी अच्छा काम हो रखा है भाई, जैसे बता रहे हैं आपको। मोटे मोटे काम होते हैं ना, ये वाली चीजें बहुत कम मिलती है। तो बिजनेस आइडिया एक तरह से ये बहुत बढ़िया हो गया। अगर किसी भाई को अगर गाड़ी लेनी हो तो ये गाड़ी लगभग कितने तक की आ जाती है, अगर बात करें शोरूम में? शोरूम में तो भाई बस डाला वगैरह कुछ नहीं मिलता, मतलब चैसी आगे की कैबिन। ठीक है, 18 के अप्रोक्स आती है, लगभग उतना पड़ जाता है। बाकी काम अपने पैसों से करवा रहे हो आप? बाकी काम अपने पैसों से करवाना पड़ता है। ठीक है भाई जी, बाकी सारी बातें तो हो गई, बड़ी स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, गाड़ी की बॉडी के अंदर क्या क्या रहा है? भाई गाड़ी की स्ट्रेंथ के ऊपर सारा कुछ डेडिकेट बाइक का था, बाइक ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हमें उसके इंक्लूड गाड़ी में काम किया है। बाकी उसकी डिटेलिंग आपको जाननी है तो सीधा हम अपने अंकल जी के पास लेके जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने काम करा भैया ने? हाँ जी। तो बताइए अंकल जी क्या क्या काम किया इसके अंदर आपने? इसमें जो नीचे का चैनल होता है, मेन चैनल, कौन सा होता है मेन चैनल जिसपे बॉडी बनती है? हाँ। ये नीचे होता है, बिल्कुल नीचे। अच्छा, जिसे हम चेसी बोलते हैं बेसिकली, चेसी के ऊपर चैनल लगता। ठीक है, वो 5 इंची चौड़ा और 2.5 का चैनल। ठीक है, बारी वाला। ठीक है, बाकी क्या काम किया इसमें? और आगे जो ऊपर के जो बत्ते हैं चैनल वाले, ये वाले, ये वाले हाँ, ये तो 3 इंची के ही लगते हैं, लेकिन हमने 4 इंची के लगाया है। अच्छा, मतलब अपनी तरफ से जो काम हुआ है वो 4 इंची का हुआ है, बेसिकली 3 इंची के लगाए जाते हैं। वैसे 3 इंची के ही लगते हैं। ठीक है, बाकी सारा काम करा है आपने, जो भी बॉडी खड़ी कर रहे हैं, पिलर्स वगैरह खड़े कर रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपने अच्छा काम करा है इसके अंदर, बहुत बढ़िया काम। एक बार मुझे इसके बता दी, गेज कितने यूज करे, सीट्स के जो गेज यूज करे आपने? जो साइड वाली ये चद्दर है ये 16 गेज है। 16 गेज है, चलिए, मतलब अच्छी क्वांटिटी की होती, क्वालिटी की होती, सॉरी, क्या बात है। और अंदर से एक बार बात करें तो गाड़ी के अंदर से जो काम हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई एक बार गेट देख लो, कितना हैवी गेट है, मतलब हाथ से काफी ज्यादा, मतलब मेहनत लग रही है एक बार इसको हिलाने में। और अंदर से बात करें तो भाई अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, काफी बढ़िया फिनिश दी है गाड़ी में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम हुआ है, देखने में भी काफी अच्छा काम किया। अंकल आपने अंदर से काम किया, अंदर से भी सारा? अंदर सारा काम मैंने किया है। क्या बात है, पूरी बॉडी मैंने ही बनाई। गाड़ी पूरी रेडी आज? पूरी रेडी, भाई लेके जा सकते हैं हमारे, बिल्कुल कंप्लीट। तो आकाश भाई फीचर्स के बारे में बताओ, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं? इसके अंदर न्यू टेक्निक आई है, मैं बैठ के बताता हूँ, आके देखना, बड़ा प्यारा फीचर दिया हुआ है इसके अंदर। अब आइए, ये क्या हो रहा है, ये अप डाउन हो रही है, क्या क्या सीन है ये? यही तो है इसका सस्पेंस। क्या बात है, सबसे बड़ा चीज है। हाँ, वेट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे बैठने पे। अच्छा, ये देखिए, जैसे मेरा वेट 80 kg के आसपास है, तो क्लॉक वाइज घुमाएंगे 80 पे पहुँच जाएंगे, तो हमारा गियर भी जो होता है ना फ्रंट, वो बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे, मतलब आपके वेट के अकॉर्डिंग इसकी जो हाइट एडजस्ट हो जाएगी। हाँ, और ये पहले भी फीचर्स आते थे, मतलब हर गाड़ी में अब नए आने स्टार्ट हुए हैं। क्या बात है, मतलब अब जो ये फीचर्स आने लग गए हर गाड़ी में। हाँ, आने लग गए हैं, एयर वेंट मिला हुआ है यहाँ पे। क्या बात है, ठीक है। और यहाँ पे SOS के लिए, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा चीज दे रही है। ये क्या चीज है? जैसे अगर कभी हमारी गाड़ी चोरी वगैरह होती है या कोई लूटने के लिए आता है, तो हम डायरेक्ट ढक्कन खोल के प्रेस कर देंगे, तो SMS पहुंचेगा पुलिस वाले के पास और ओनर के पास जो नियर बाय रहेगा, बस हमको इसको प्रेस करना है।
तो भाई ये तो बहुत अच्छा फीचर दिया है। मतलब पहले क्या होता ना, ड्राइवर वगैरह रहते थे सुनसान एरिया में, उनके लिए काफी डर होता था। अब तो मतलब मेरे ख्याल से एसओएस फीचर दे दिया ना कंपनी ने, तो कंपनी भी ड्राइवरों के बारे में काफी अच्छे से सोचने लगी है, उनकी सेफ्टी के बारे में है ना, कंफर्टेबल। इतनी महंगी गाड़ी दे देती है ड्राइवरों को, मतलब 20-20 लाख की गाड़ियां है ना, फीचर्स नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, क्या बात है। तो आकाश भाई गाड़ी का तो आपने काम बता दिया है, बाकी ये काम आपने खुद ही बताया था, मतलब आपको सब पता था कि कितना कितना गेज की क्या क्या लगवाना है? भाई मेरे को बस इतना पता था कि थोड़ा हैवी बनवानी है मुझको गाड़ी, ठीक है। बस मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने अंकल जी को, जिनको मैं दो गाड़ियां बनवाई है, तीसरी गाड़ी है अंकल जी ने काम। तो यहाँ के ओनर अंकल जी हैं, ओनर अंकल जी, क्या बात है। तो अंकल जी बताइए क्या क्या, मतलब कैसे कैसे आप यहाँ पे काम करते हो, कितने दिनों में काम हो जाता है? काम का टाइम लगभग 10-12 दिन में हो जाता है। अच्छा अच्छा, अगर कोई बाई चांस लाइट वाइट की दिक्कत ना हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में हो जाता है, ठीक है। और रहा सवाल काम का गेज का, तो जैसे पार्टी बताती है, कोई 12 गेज मांग रहा है, कोई 14 गेज मांग रहा है, ठीक है। फिलहाल जो बॉडी तैयार की है, हाँ, इसकी हमने साइड की चादर दी है 14 गेज की दी है, ठीक है। और जो फर्श में जो फ्लोरिंग करी है वो हमने 12 गेज की दी है। तो मतलब ये अच्छी क्वालिटी की है या फिर मिड क्वालिटी में आती है? अच्छी क्वालिटी में है, क्या बात है। और कोई हल्की बनाना चाहता है उससे हल्की बन जाती है, रेट कम हो जाता है पार्टी की डिमांड के अकॉर्डिंग। हाँ, पार्टी वाली, कोई अंडरडोर में चलाना जा रहा है, कोई और हैवी माल में चलाता है, कोई स्प्रे में चलाना चाहता है, उसी हिसाब से। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। जो नीचे का चैनल दिया है 4x2 का दिया हुआ है, ये वाला, हाँ, स्ट्रक्चर का जो मेन है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। और बाहर से कोई पार्टी कहती है मुझे पाइप की छोड़ के एंगल की बनवानी है, तो एंगल की बना देते हैं। अच्छा अच्छा, एंगल की बाड़ी थोड़ी से 5,000 सस्ती पड़ती है, सस्ती पड़ जाती है, ओके। पाइप वाली थोड़ी महंगी पड़ती है, पाइप जो हमने लगाया है लगभग 15 किलो वाला, ये जो हमने पाइप लगाई आप इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, उसमें सारी बॉडी तैयार की हुई है, क्या बात है, ठीक है जी। बाकी 10-12 दिन लग जाते हैं बनाने में, 10-12 दिन लगभग लग जाते हैं, अगर बीच में कोई लाइट वाइट की दिक्कत ना हो या जैसे माल वो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, ज्यादा ज्यादा 15 दिन, क्या बात है। दो गाड़ियां हमने 15 दिन में तैयार कर दी हैं, दो गाड़ियां लगभग 15 दिन में तैयार हो गई हैं। और ये अंकल जी अपने नंबर है जो लिखे हुए यहाँ पे, हाँ, ये नंबर है, ओके, राकेश बॉडी बिल्डर से आपके वर्कशॉप का ही नाम है। तो इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल करके अंकल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी डिमांड है आपकी, जिस तरह से आप गाड़ी बनवाना चाहते हो अंकल को आप बता के, किसी तरह की बॉडी हो, कंटेनर बॉडी हो, ओपन बॉडी हो, जो पीछे गाड़ी अंकल बन रही है वो भी अपने हैंड से बन रही है, हम ही तैयार कर रहे हैं, क्या बात है। वो तो और बड़ी गाड़ी है, ये गाड़ी तैयार हुई है लगभग, इसी भाई है 32 फुट, हाँ जी, और चौड़ाई है 8 फुट और हाइट लगभग 7 फुट, क्या बात है, हाँ जी, बहुत। ओवरलोड के लिए गाड़ी तैयार हो रही है, ठीक है, चेन्नई वगैरह चलती है, ओके, और लंबाई इसकी 32 फुट है नीलैंड की, ठीक है। ये भी लगभग मेरे ख्याल से एक हफ्ते में तैयार हो जाएगी, नहीं अभी ये इसका करीब 15 दिन में दोनों गाड़ी रेडी हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, 15 दिन करीब और लगेंगे इस गाड़ी को तैयार होने में, रेडी होने 2-3 दिन लग रहे हैं टोटल। अच्छा, गाड़ी बता रहा हूं, टोटल 15 जो टोटल काम हुआ है उसमें लगभग 15-16 दिन लग गए हैं, 15 दिन में गाड़ी ओके हो जाएगी, क्या बात है। तो ये भाई ये देखो कितना बड़ा यहाँ पे पार्क है, जिसके अंदर इतना गाड़ियों का काम हो रहा है, सारा अंकल के थ्रू होता है सारा काम। तो आप कॉल करके अंकल को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हो। तो भाई ने यहाँ पे काम करवाया, भाई की आप चेहरे पे स्माइल लेके देख सकते हो कितने खुश हैं यहाँ पे। तो भाई कुछ और बोलना चाहोगे आप? भाई फुल सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या बात है, बस बोलो एक बार आके ट्राई जरूर करिए। तो बिजनेस आपका बढ़िया चल रहा है? A1 चल रहा है ना? भाई अंकल जी की दुआ, अंकल जी की मतलब बिल्कुल बिल्कुल, साथ चाहिए होता है हर किसी को एक दूसरे का, तो ऐसे ही साथ बना रहे। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।